हेलो दोस्तों, आपका मेरा स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर एंड टेक पर। अभी मेरे चैनल स्टडी करियर एंड टेक को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मेरे सारे एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सक्सेस तक कितने कैसे पहुँच सकते हो। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सक्सेस तक पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका उसके जो आने वाले रास्ते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। कुछ लोग ट्राई इसलिए नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम फेलियर हो गए तो क्या होगा। यार फेलियर हो गए तो भी क्या हुआ यार, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा आपको। आपको कुछ ना करना होगा यार, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए या कि अपने दोस्त के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में देख रहा था कि हमारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो नंबर है वो बहुत नीचे गया है। इसका प्रॉब्लम यही है तो कि अपने लाइफ में बहुत सारे लोग हैप्पी नहीं है, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सक्सेस। वो बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ कि वो ट्राई भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम ट्राई भी कर भी लिया, अगर हार्ड वर्क भी किया फिर भी सक्सेस नहीं पिलाएगा तो क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, ये सब। इसीलिए सक्सेस को अगर पाना है तो आपको बहुत सारे पोटेंशियल की जरूरत है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता, अगर सबको मिलता तो आज हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी नहीं होती है दोस्तों। तो मैं आज आपके ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि सक्सेस कैसे पहुँच सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो सक्सेस का मायने आपके लिए क्या है। सक्सेस के मायने मेरे कहने का मतलब है कि आप सक्सेस क्या है आपके लिए। सक्सेस कुछ को लगता है कि मैं पैसा पा लूँ बस, कुछ नहीं ये जॉब कर लूँ और घर में ऐसे ही मैं ड्यूटी करता रहूँ, हमारे कुछ नहीं करना, मैं ऐसे बैठा रहूँ तो मेरे लिए सक्सेस है। कुछ लोगों के ये भी लगता है कि सक्सेस हमारे लिए सिर्फ ये गंदी चीज़ हासिल करना हो, जैसे शराब पीना हो, ये सब चीज़ें, उसके लिए उनको भी लगता है कि हम सक्सेस हैं। क्या ऐसे सक्सेस होता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता सक्सेस। ये हो गया दूसरे लोगों बात। ऐसे तीसरा वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सक्सेस के रोड़ों में आता है, वो है आपकी जो डिज़ायर। बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि गलत गलत डिज़ायर ले रहे हैं। किसी को लगता है कि हम गाड़ी कार खरीदने से ये इसके लिए भी सक्सेस ही कहते हैं कि हम गाड़ी अगर कार खरीद लेते ये हमारे लिए सक्सेस है। तो आप सोचिए दोस्तों, क्या कोई अगर गाड़ी कार खरीद ले क्या वो ये सब चीज़ें आपके लिए सक्सेस है। और चौथी बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सक्सेस को पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी का खून भी करना पड़े तो खून भी करेंगे तो हम इसीलिए सक्सेस है। कि अगर हम सट्टा भी खरीद लेते कुछ लोगों को लगता है सट्टा खेलने में सक्सेस मिल जाता है, ऐसा नहीं दोस्तों। क्योंकि सट्टा अगर खेलोगे तो जो दिन की चांदनी फिर से उतर जाएगी, इसलिए ऐसी गंदी चीज़ों का आपको फोकस नहीं करना है। और मैं ऐसे पांच चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है वो है फोकस। अगर आप किसी भी चीज़ में फोकस रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सक्सेस तक पहुँचने से रोक सकता है दोस्तों। इसलिए फोकस रहिए और किसी में बातों में नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों के देखता हूँ कि गंदी गंदी लोगों के संगत में आते हैं, अपनी लाइफ में बर्बाद कर देते हैं, गलत चीज़ों को फोकस करते हैं। इसीलिए फोकस रहिए दोस्तों, अपने एक गोल सेट कीजिए और उस गोल के लिए आपको दुनिया से भी लड़ने पड़े तो इसे लड़िए दोस्तों। जानता हूँ ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन आई हैव टू डू इट, आप ये कर सकते हैं। इसीलिए फोकस रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरी भी सबसे बड़ी चीज़ है, वो है डिज़ायर। जिसका डिज़ायर जितना बड़ा उसकी सक्सेस भी इतनी बड़ी। इसीलिए अपने डिज़ायर को बढ़ाइए, अगर आपका डिजायर बड़ा होगा तो आपका सक्सेस भी बड़ा होगा। इसीलिए कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, कोई एक विचार लो, उसी विचार को अपने तन में, मन में और मस्तिष्क में ऐसे बिठाए को इस विचार के अलावा अपने ध्यान को कहीं और मत केंद्रित करो। मैंने कहने का मतलब है कि विवेकानंद ने ये कहा कि अपने ध्यान को सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ, ये गलत सारी चीज़ों में अपने लक्ष्य को मत भटकाओ। इसीलिए यह दूसरा चीज। सबसे तीसरा चीज़ होता है गोल। आपका गोल क्या है। गोल के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गोल होता है।
कुछ के लिए हम पैसा है, मेरे पास पैसा है तो मैं सक्सेस मुझे मिल गया है, आप लाइफ का कोई गोल नहीं है, बस घर में बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलना है दोस्तों। अगर आपको अपने सक्सेस तक पहुँचना है तो आपको गोल तैयार करना, गोल तैयार कर रखना होता है। चाहे अब मान लो कि आपको एक मैट्रिक क्लास में या दसवीं कक्षा में आपको 4000 मार्क लाना है, यानी 400 मार्क लाना है। इसके लिए आप प्रिपरेशन अगर नहीं करेंगे तो 400 मार्क क्या आप कहेंगे, नहीं आएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत से सारे चीज़ों को आपको त्याग भी करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करना, तब आप 4000 मार्क से ज़्यादा ला सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोगों को मैंने देखा है कि मोटिवेशन, मोटिवेशन है सबसे बड़ी चीज़ है। तीसरी वो सक्सेस की सबसे तीसरी बड़ी पॉइंट है, वो है मोटिवेशन। अगर आप किसी भी रिलेटेड वीडियो देखते हो, चाहे यूट्यूब में देखो, किसी भी रिलेटेड वीडियो देखो, चाहे मैगजीन पढ़ो, किसी भी पढ़ो, अगर आप अपने आप को अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो आप सक्सेस तक पहुँच नहीं सकते हो। अगर आप जीत के बारे में सोचोगे नहीं तो जीत तक कैसे पहुँच सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको मोटिवेशन रहना है, हर टाइम ये नहीं सोचना है तो ये कल क्या होगा या आज क्या क्या होने वाला है। इसीलिए आप कल के बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो, क्योंकि कल कल क्या हो कोई नहीं जानता है, आज क्या हुआ, इसीलिए आज में जियो। इसीलिए कहते हैं कि आज में जियो तो सबसे अच्छा होता है, कल क्या हुआ कोई कुछ कोई भी नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ सर, इसीलिए आज में जियो, ये होगा मोटिवेशन। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ होता है, वो है अपने अंदर की जो हिम्मत, जुनून, वो इसे कहते हैं एनर्जी। अपने आप को ये मैं समझ रही कि मैं विक्टिम हूँ, ये हूँ, मैं अपने लय में कुछ नहीं कर सकता, मैं पुअर मैन हूँ, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। बहुत सारे पुअर मैन भी हैं जो अपने लय में बहुत सारे सक्सेस अचीव करते हैं, चाहे वो आप देख लीजिए एलन मॉक्स को या ओपरा विनफ्रे को, क्या उनके पास उतना पैसा था कि वो अपने घर तक खर्चे नहीं चला पाते, लेकिन इस उनके डिजायर के कारण वो आज वो देश में फेमस होते हैं। स्टीव जॉब्स को देखिए दोस्तों, स्टीव जॉब्स हर महीने दो दो किताब पूरा चढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं पूरा। तो ये इसीलिए स्टीव जॉब्स को एक बार पूछा गया, तो आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सी चीज़ है वो आपको रखना है अगर अपने लाइफ में तो आप रखेंगे, तो स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि अपने मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने किताब में गुजारना चाहूँगा, क्योंकि किताब ऐसी चीज़ है आपको सक्सेस तक पहुँच सकती है। इसीलिए वो एक महीने में तो कम से कम दो तीन किताब पूरी से पूरी पढ़ लेते हैं, ये हुआ जो बात, ये हुआ चौथी बात। और पांचवी बात सबसे बड़ी चीज़ होती है सक्सेस के, सक्सेस अगर आप पहुँचना चाहते हो तो आपके विजन क्या है। विजन ये मतलब है कि दूसरा अगर कोई आर्मी में जा रहा है तो मैं भी आर्मी में जाऊँ, दूसरा कोई नेवी में जा रहा है तो मैं नहीं जाऊँ। अपने अंदर जो आपके जुनून है, जो आप करना चाहते हो उसके लेकर आप आगे बढ़िए, चाहे वो कोई भी कुछ कोई ये ऐसा ये इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों। इसीलिए किसी में बहकावे में आ दो, अपने जो विजन है, अपने जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जानता हूँ सक्सेस तक पहुँचना तो बहुत आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है तो आप सक्सेस तक पहुँच जाओगे। इसके लिए आपको हर रोज़ अपने आप को ये जगाना होगा, अगर अपने आप से वादा करना होगा कि हाँ मैं अपने लाइफ में चेंज कर सकता हूँ, हाँ मैं अपने लाइफ में कुछ तो चेंज लाऊंगा यार, ऐसी ना थोड़ी है आया चला गया। इसीलिए अपने अंदर ये डिजायर पैदा करो कि मुझे अपने लाइफ में सक्सेस तक पहुँचना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसके लिए अगर मुझे अपने फैन तक भी छोड़ना पड़े, अपने दोस्तों को, अपने किसी भी चीज़ों को छोड़ना पड़े तो इसके लिए समझूंगा। इसीलिए आपको सारे भी एडिक्शन भी छोड़ना होंगे और ऐसी चीज़ें को छोड़ना होगा जैसे अनवांटेड चीज़ें को भी छोड़ना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, सक्सेस तक सक्सेस की ना ही कोई शॉर्टकट होती है और ना ही कोई एक्सक्यूजेस होती है। अगर आपको सक्सेस तक पहुँचना है तो आपको डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप गोल तक नहीं पहुँच जाते। जानता हूँ सक्सेस कभी स्प्रिंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि 100 मीटर के रनिंग होते हैं तो वो शायद वो जो लोग होते हैं एथलीट होते हैं 10 सेकंड में हासिल कर लेते, मैराथन जब होती है तो कितना टाइम लगता है दोस्तों। इसी तरह लाइफ स्प्रिंट नहीं है दोस्तों, लाइफ एक
लॉन्ग रेस है, मेरे कहने का मतलब लाइव एक मैराथन है। इसलिए लाइव के मैराथन में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे सबसे बढ़ना चाहते हो तो आपको लंबे रेस की घोड़ा बनना पड़ेगा। अगर आप लंबे रेस की घोड़ा बनना चाहते हो, आपको अंदर अगर पोटेंशियल आपको अगर है, तो आपको हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, और हर सिचुएशन का सामना करेंगे तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और जल्दी से जल्दी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप 1000 अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूंगा दोस्तों, और आपसे मैं मोटिवेशनल के रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए दोस्तों, 1000 लाइक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 से 20 शेयर होना चाहिए। प्लीज मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे जो चैनल का जो ग्रोथ है उसको आप प्लीज़ 100 सब्सक्राइब तक कर ले। अगर आप 100 सब्सक्राइब कर लिए तो कम से कम 100 अगर 1000 कर लेंगे तो ये तो 4 चांद ले जाए। अगर 1000 सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको सीधे से सीधे आपके टच हो सकता हूँ, और आपसे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, और मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो भी डालता हूँ दोस्तों, और मोटिवेशनल के रिलेटेड वीडियो भी डालता हूँ, एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को।